नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर यूएस प्रसाद और हिंदी हाईवे में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज मैं प्रेमचंद की एक बहुचर्चित कहानी सवा शेर गेहूं की चर्चा आपके साथ करने जा रहा हूं। प्रेमचंद हिंदी के एक ऐसे विलक्षण कथाकार हैं जिन्हें सबसे अधिक पढ़ा गया है, सबसे अधिक सुना गया है और उनकी कहानियों पर सबसे अधिक बहस भी हुई है। प्रेमचंद कहानी लिखते कम हैं और उसे सुनाते अधिक हैं। हमारे यहाँ कथा को सुनने सुनाने की एक प्राचीन और समृद्ध परंपरा रही है। प्रेमचंद कहानी कहने की इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। प्रेमचंद इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि जिस देश की अधिकांश जनता गांवों में निवास करती हो, दिन रात खेतों में काम करती हो, वहाँ कहानी को पढ़ने के नहीं बल्कि सुनने सुनाने की शैली में ही लिखा जा सकता है। सवा शेर गेहूँ भी उनकी एक ऐसी कहानी है जिसे वे बड़े इत्मीनान से सुनाते हैं, बिल्कुल ठेठ हिंदुस्तानी अंदाज में। और हम यह कहानी ठीक वैसे ही सुनते हैं जैसे बचपन में अपनी नानी दादी से सुना करते थे। कहानी की पहली ही पंक्ति है, किसी गांव में शंकर नाम का एक कुर्मी किसान रहता था। सीधा साधा आदमी था, अपने काम से काम, ना किसी के लेने में ना किसी के देने में, छक्का पंजा ना जानता था। छल प्रपंच की उसे छूत भी ना लगी थी, ठगे जाने की चिंता ना थी, ठग विद्या ना जानता था। भोजन मिला खा लिया, ना मिला चबेने पर काट दी, चबेना भी ना मिला तो पानी पी लिया और राम का नाम लेकर सो गया। लेकिन जब उसके दरवाजे पर कोई साधु महात्मा आते थे तो वह खुद तो भूखा सो सकता था लेकिन ब्राह्मण देवता को कभी भूखा नहीं सुला सकता था। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। सवा शेर गेहूँ कहानी पहली बार हिंदी मासिक पत्रिका चांद के नवंबर 1924 के अंक में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी प्रेमचंद के मानसरोवर 4 में संकलित है। सवा शेर गेहूँ भारतीय किसान के जीवन की सच्ची दास्तान है। प्रेमचंद कहानी के अंत में अपने पाठकों से इस बारे में कहते भी हैं, पाठक इस वृतांत को कपोल कल्पित न समझिए, यह सत्य घटना है। ऐसे शंकरों और विप्रों से दुनिया खाली नहीं है। इस कहानी में हम देखते हैं कि सीधा साधा शंकर जो 1924 का है, वह और विप्र जी आज भी समाज में उपलब्ध हैं। शंकर तो उसी दशा और अवस्था में हैं, पर विप्र जी का स्वरूप जरूर बदल गया है। विप्र जी जैसे लोग शुरू से ही बदलते रहे हैं। शंकर के समय में भी विप्र जी ब्राह्मण से महाजन हो गए थे और फिर आज तो कहना ही क्या है, पूंजीवाद के युग में आज इनके अनेक रूप दिख रहे हैं। अगर हम ये कहें कि आज का पूंजीवाद सन 1924 की महाजनी सभ्यता का ही विकसित रूप है तो यह कहना गलत ना होगा। दूसरी ओर इस व्यवस्था में किसानों को भी मरना ही मरना है। गुलाम भारत में भी वे गुलाम थे और आज़ाद भारत में भी वे गुलाम हैं। आज़ादी का सुख क्या होता है ये तो उन्होंने जाना ही नहीं। जैसा कि कहानी के शुरू में प्रेमचंद ने यह बताया है कि शंकर एक सीधा साधा धार्मिक किस्म का किसान था। वह खुद भूखा रह जाता लेकिन किसी साधु सन्यासी को, ब्राह्मण को अपने द्वार से भूखा न जाने देता। शंकर की ही अच्छाई, यही निष्ठा उसके गले की फांस बन जाती है। एक दिन घर आए एक ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए शंकर सवा शेर गेहूँ उधार लाता है और वह भी एक ब्राह्मण से ही। ब्राह्मण विप्र जी हैं। प्रेमचंद तीखा व्यंग की मार करते हुए इन ब्राह्मणों को देवता कहते हैं क्योंकि इन देवताओं को जौ का आटा नहीं गेहूं का आटा पचता है। आखिर निकम्मे जो ठहरे ये, मेहनत करने वालों को तो जौ, बाजरे या मक्के की रोटी भी आसानी से पच जाती है,
खैर बात सवा सिर गेहूं की थी और शंकर के लिए उस समय सवा सिर गेहूं कोई बड़ी बात नहीं थी। उस समय उसका भाई मंगल भी उसके साथ था। दोनों जमकर खेतों में मेहनत करते थे। शंकर छोटे और ओछे मन का भी नहीं था। उसकी नियत में विप्र जी की तरह कोई खोट भी नहीं थी। विप्र महाराज साल में दो बार खलिहान लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा, सवा सिर गेहूं उनको क्या लौटाऊं, पसेरी बदले कुछ ज़्यादा खलिहानी दे दूंगा, यह भी समझ जाएंगे और मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब विप्र जी पहुँचे तो उन्हें डेढ़ पसेरी के लगभग गेहूं दे दिया और मन ही मन ये सोच लिया कि उसने जो सवा सिर गेहूं उधार लिए थे वह चुक गया। लेकिन उसने विप्र जी से उसकी कोई चर्चा नहीं की और ना ही विप्र जी ने आगे चलकर सवा सिर गेहूं कभी मांगा। सवा सिर गेहूं लिए 7 साल बीत जाते हैं। इन 7 सालों में विप्र जी ने कभी भी शंकर से इस कर्जे का जिक्र तक नहीं किया। यह भी कहा जा सकता है कि जब तक किसान था वह, शंकर किसानी करता था, तब तक विप्र जी ने उससे गेहूं का जिक्र नहीं किया। लेकिन जैसे ही शंकर मजदूर बन जाता है, विप्र जी उससे 7 साल पहले लिए गए सवा सिर गेहूं के कर्ज की बात कहते हैं। विप्र जी के अनुसार इन 7 वर्षों में कर्ज का सवा सिर गेहूं बढ़कर 5.5 मन हो गया था। सवा सिर गेहूं यानी लगभग 625 ग्राम और 5.5 मन गेहूं यानी 132 किलो। विप्र जी उस सवा सिर गेहूं को शंकर के सामने उस विशाल दानव की तरह खड़ा कर देते हैं जो शंकर को खड़े खड़े ही निगल जाता है। धर्म का डर दिखाते हुए विप्र जी शंकर से कहते हैं, मैं छटाक भर भी ना छोड़ूंगा, यहाँ ना दोगे तो भगवान के घर दोगे। इतना सुनते ही शंकर डर जाता है। वह नरक में जाने के डर से सोचते हुए विप्र जी से कहता है, महाराज तुम्हारा जितना होगा यहीं दूंगा, ईश्वर के यहाँ क्यों दूँ, इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूँ, उस जन्म के लिए क्यों कांटे बोऊं। मगर यह कोई निजात नहीं है, तुमने राई का पर्वत बना दिया, ब्राह्मण होके तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी तगादा करके ले लिया होता तो आज मेरे सिर पर इतना बड़ा बोझ ना होता। मैं तो दे दूंगा, लेकिन भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। शंकर की इस बात पर विप्र जी कहते हैं, वहाँ का डर तुम्हें होगा, वहाँ तो सब अपने ही भाई बंधु हैं, ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण ही हैं, देवता ब्राह्मण है, जो कुछ बने बिगड़ेगा संभाल लेंगे। नरक और दूसरे जन्म के कष्ट के भय ने शंकर ने शंकर के इस जन्म को भी नरक से बदतर बना दिया। वह तो जीवन भर विप्र जी की गुलामी करता ही है, उसका बेटा भी विप्र जी का गुलाम बनता है। यदि शंकर थोड़ी सी चतुराई और निडरता दिखलाता तो उसकी यह दशा नहीं होती। विप्र जी सवा सेर गेहूं के बदले शंकर की सारी संपत्ति, 1 साल की मजदूरी और उसके जीवन के 20 वर्ष ले लेते हैं। इसके बाद भी सवा सेर गेहूं का कर्ज नहीं चुकता। बाप के कर्ज को चुकाने के लिए शंकर का जवान बेटा विप्र जी के यहाँ गुलाम बनता है। शंकर जैसे भारतीय किसान अपने बेटों को विरासत में यही कुछ दे जाते हैं। किसान के बेटों को विरासत में अपने बाप से धन दौलत नहीं, बल्कि एक ऐसा कर्ज मिलता है जिसे वे ताउम्र नहीं चुका पाते, जीवन भर उनको इससे मुक्ति नहीं मिलती। इस कहानी में प्रेमचंद ने भारतीय किसानों के बीच फैले धर्म और मर्यादा पर विशेष ध्यान दिया है। इन किसानों के कष्टों की एक वजह और है और वह है उनकी भलमनसाहत और सरलता। आज इसी भलमनसाहत और सरलता के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं। चतुर सुजानों के बड़े बड़े कर्ज माफ हो जा रहे हैं, लेकिन छोटे किसान छोटे छोटे कर्ज के बोझ तले दबे आत्महत्या करने के लिए विवश हो रहे हैं और शंकर की तरह अपने पीछे अपनी संतानों को फिर वही कर्ज चुकाने के लिए छोड़ते जा रहे हैं।
इस कहानी को मैंने यथासंभव सरल करके आपको समझाने का प्रयास किया है और प्रेमचंद के इस कहानी का उद्देश्य क्या है, वे शंकर और विप्र जी के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, यह आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा ऐसा मैं समझता हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। हाँ, लेकिन विदा लेने से पहले मैं एक बात आपसे कह दूँ कि आपको अगर ये मेरे वीडियो पसंद आ रहे हों तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।